बिंदिया सरकार सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर। अगर ये बिंदिया किसी प्रेत के वश में है तो प्रेत आत्मा इसकी रक्षा जरूर कर रही होगी। इसका पता लगाना तो आसान है ना तपो? याद है तुझे वो बचपन में आते थे ना वो? हाँ जी जी, हम समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है, पर आप समझती हो ना जीजी, ऐसा करने के लिए अभय को कीमत चुकानी पड़ेगी। जानती है तपो, पर और कोई चारा भी तो ना है ना? हमारा लल्ला हमें माफ करे, हम जो भी कर रहे हैं ना उसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। लल्ला, बिंदिया से छुटकारा पाने के लिए तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें माफ करना। लल्ला, मौसम ना कितना ठंडा हो रहा है, नंगे पैर मत घुमा कर, ले ये पहन ले। हाँ ठीक है, पहन लूंगा माँ। तो पहन लेना लल्ला। ये लो, पहन लिया। ठीक है, उतारना मत। हाँ हाँ हाँ, पहने रखना। हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ ना, मौसम कितना ठंडा है, कह दिया तो कहाँ हो गया। जिसने सीएम सर पर अटैक करवाया था, क्या वही इंसान इंडिया पर भी अटैक करवा रहा है? जो कुछ भी है वो मुझसे बच नहीं सकता। तब वो कह दो ना कि ये झूठ है। तपो, सासुमा कहाँ हो गया? सासुमा देख ना, तपो ने ऐसी बात कही है कि हमारे महिलाओं सुई ना रुक रहे। क्या कहे हम तुमसे? सका कहा है तपो माँ ने? हर तपो माँ कह रही है कि आज अमावस है, आज का दिन और आज की रात ना हमारे भाई के लिए बहुत भारी है। उस पर कोई भी विपदा आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसी नींद सोए कि फिर वो कभी ना उठे। अरे क्या कह रही है ये? सासू माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भोलेनाथ ने बहुत लंबी उम्र लिखी है अभय जी की, हमारी मांग का आशीर्वाद है भोले जी का। आप फिक्र मत करो, अभय जी को कुछ भी नहीं होगा। भोलेनाथ सबके साथ। अरे कैसे होंगे दोनों अलग? अरे जब से वो अंतरिम सीएम बनी है ना, तब से हमारा भय साये की तरह उसके पीछे 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 रहता है। अरे उसका काम ही तो बिंदिया का रक्षक बने रहना है। अरे जब बिंदिया की कुंडली में उसका पति उसका रक्षक बना रहेगा तो भला क्या काम हो पाएगा? हा? कुछ हो सकेगा? हे भगवान, अब क्या होगा? अरे बिंदिया का पीछा छोड़ेगी हमारे लल्ला का? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका मुंह बंद करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा जीजी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सोच सोच के सच में कुछ नहीं हो पाएगा। और ऊपर से बेटा निकल जाएगा हाथ से, वो अलग। अभी तो वो ये रक्षा अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है। सोचो
अगर बिंदिया से उसे सच में प्यार हो गया तो क्या होगा? प्रेम कवच ऐसा कवच होता है जिसे कोई भेद नहीं सकता, समझ रही हो ना जिज्जी? समझ गए हो, पर अभय को कभी बिंदिया से प्यार हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मेघा। समझ गए हम कि अब हमें क्या करना है। कच्चा छोड़ दो बिंदिया, मैं खुद कर लूंगा। हमें जब चोट लगी थी तो आप रुके थे का? नहीं ना, उपचार किए थे ना अपने हाथों से, सोए हम कर रहे, करने दीजिए। ये बच कैसे गई? What the hell? इसे तो धुएं से घुटकर मर जाना चाहिए था। आपने हमें समझ क्या रखा है? हाँ, इतना बड़ा नाटक रचवाया, इतनी मेहनत करवाई और जब सजा देने की बात आई तो सब कुछ पलट दिया। खून के इल्जाम में जेल चली जाती तो छुटकारा मिल जाता ना। छुटकारा मिल जाता? हत्यारों की जय हो। अरे इतनी साधना करने के बाद भी ना, तुम मेरी छोटी बहन ही रहोगी और मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही रहूंगी। हत्यारों की जय हो। अरे तुम्हें क्या लगता है तपो, हाँ, कि उसके जेल जाने से लल्ला के दिल से वो निकल जाएगी? अरे लल्ला उसके लिए केस लड़ेगा, अदालत जाएगा और हो सकता है उसे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश भी कर सकता है और शायद ना भी आती तो ये केस ना सालों चलते। पर वो लल्ला के दिल से कभी नहीं निकलती। अगर इतना सब सोचा है तो सबका उपाय भी सोचा होगा जीजी, बता दो। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बनाया प्रसाद और धकेल दिया भक्तों को मौत के मुंह में। भक्तों के परिवारजनों में है मुख्यमंत्री के खिलाफ रोष। कुछ दिन पहले जिस जनता ने बिंदिया रानी की जय जयकार की थी वही जनता अब बिंदिया रानी को मौत देगी। मैं जानता हूँ बिंदिया, मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो विद्या, इसलिए तुम्हें एक बयान जारी करना होगा। तुम्हें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होगी विद्या। पर सब तो हमसे इतने गुस्सा है, वो भला हमारी बात काहे सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा उसकी बात, ये सब झूठी दलीलें लगेगी और लोग इतने गुस्से में होंगे कि अंतरिम सीएम को मारने से पहले एक
पल भी ना सोचेंगे। लल्ला कुछ भी ना कर पाएगा। मैं बचाऊंगा तुम्हें। मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वचन लिया है बिंदिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो हमें सीएम ऑफिस जाना है।